नाइन्थ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसी तरह कर लेते हैं एग्जाम्पल और। हमारे पास तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे, एक वायर ही जोड़ लेते हैं सिंपल ऐसे। ये सी वन है, सी टू है, सी थ्री है। आपको पता होना चाहिए तीनों किस्में एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। आगे भी हमने कैपेसिटर लगा लिए, मान लेते हैं इट इज सी फोर, इट इज सी फाइव, और ये वायर ऐसे जुड़ी हुई है सी फोर सी फाइव, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का डायग्राम जो है, यहाँ तक का डायग्राम तीनों किस्में हैं। यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक ये पॉइंट ए है, ये भी ए है, ये पॉइंट ए है, ये भी ए है, वायर से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को मैं सी कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स मान लीजिएगा, एक्स पॉइंट, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यानी ए और एक्स में तीनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तीनों किस्में हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जोड़ लीजिएगा। ये पॉइंट ए में है, ये कौन सा है सी वन ऐसे, सी टू, सी थ्री, ये एक्स पॉइंट है आपका, एक्स पॉइंट सी वन सी टू सी थ्री। यहाँ तक हो गया डायग्राम सोल्व, तीनों किस्में हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। अब ये एक्स पॉइंट है, आगे सोल्व करते हैं, ये भी एक्स पॉइंट होगा क्योंकि सिंपल वायर जुड़ी हुई है। देखिए ये भी एक्स पॉइंट है, ये भी एक्स पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, इनके भी डिफरेंस कितना होगा जीरो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है भी सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी क्या है सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे आंसर क्या होगा जीरो, और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी इस सर्किट में से, इस कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो इसको लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सी फाइव, तो यहाँ से सी फोर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इट इज़ सी फाइव। तीनों को सोल्व कर सकते हैं, पैरेलल में है जो आंसर आएगा, सीरीज में है सी फाइव के साथ, हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टेन कर लेते हैं। ये एक ओपन लैडर का केस है, ओपन लैडर समझते हो, सी डी, एक कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस तरह की सीडी बनी हुई है कैपेसिटर्स की, इसको बोलते हैं ओपन लैडर, ओके, इट इज कॉल्ड ए ओपन लैडर केस। इट इज ए बी सी डी, पॉइंट बना लेते हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप निकालिए करंट पोटेंशियल निकालिए ए और डी के बीच का, ए और डी के बीच का, चेक करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, आपको निकाला नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, चेक करो कैसे निकालोगे। अगर आपको ए और डी में निकालना है तो ऑब्वियस है बैटरी कहाँ जुड़ेगी, ए और डी में जुड़ेगी, यानी करंट जाएगा ए से चलना शुरू किया और डी पे पहुंचना करंट को। अब देखिए यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, सी वन के पास करंट पहुंचा, सी वन से इस ज्वाइंट के पास आया, ज्वाइंट से करंट बढ़ गया, कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे, अब एक कुछ करंट यहाँ पे गया नेक्स्ट नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, एक्चुअल में आगे कोई ड्रॉप ही नहीं है, ओपन वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जब ओपन वायर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब तक करंट पहुँचेगा नहीं जीरो पोटेंशियल के पास, उसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, तो इसका लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। अब यहाँ पर सी सिक्स में चला गया करंट, यहाँ से करंट चलता हुआ सी फोर के पास पहुँचा, सी फोर से देखिए क्या होगा, सी फोर क्या सी सेवन में करंट जाएगा, नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन वायर है, आगे कुछ जुड़ा नहीं हुआ इसके साथ, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको लगाने का मीनिंग नहीं बनता। तो करंट कहाँ पहुँचेगा सी फाइव के साथ, सी फाइव से मिक्स होकर करंट कहाँ जाएगा सी एट के साथ, उसके बाद कहाँ जाएगा डी के पास। अब चेक कीजिए ढंग से डायग्राम को, क्या डायग्राम में सी थ्री और सी सेवन की कोई मीनिंग है, नहीं है, इसको हम रब कर सकते हैं। तो डायग्राम बनाइएगा एक बार, उसके बाद क्या करोगे, सी थ्री और सी सेवन को लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। अगर डायग्राम ढंग से बनाएं, ए पॉइंट बना लेते हैं, ए पॉइंट, यहाँ पे क्या पॉइंट बना लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है।
पहले कौन सा आया हुआ है, सी वन आया, उसके बाद सी फोर, उसके बाद सी फाइव, देन सी एट, ये पॉइंट आया डी। कौन कौन से पॉइंट आए, सी वन, सी फोर, सी फाइव, सी एट। अब आगे देखिएगा, सी वन और सी फोर के बीच में कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो कि सी फाइव और सी एट के बीच का है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। कौन सा जुड़ा हुआ है, सी टू सी सिक्स, सी टू सी सिक्स कहाँ पे जुड़े हुए हैं, फाइव फोर एट के बीच में। फाइव फोर एट कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे। तो इजीली डायग्राम बना दिया हम लोगों ने। ये दोनों किस में है, सीरीज में। जो आंसर आएगा उनके साथ किस में रहेगा, सीरीज में। एक बार चेक कर लीजिए क्या सही बनाया है, ठीक है सही है, हो जाएगा। आगे 16 में इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब इसी में से थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी में वो डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए देखिए, अगर आपको निकालना पड़ जाए ए एंड सी के बीच का, ए एंड ए सी आपको निकालनी है, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। सिंपल है, आपको पता है जब ए और सी में निकालेंगे तो बैटरी कहाँ जुड़ेगी, ए और सी के बीच में ही जीन जुड़ेगी। अगर करंट चलना शुरू हुआ ए से, कहाँ पहुँचेगा, सी वन के पास, सी वन से सी टू के पास, सी टू से जाने की कोशिश करेगा किसके पास, सी थ्री के पास, लेकिन ओपन वायर है, करंट फ्लो नहीं करेगा सी थ्री में से। अब यहाँ से करंट जाएगा सी सिक्स के पास, सी सिक्स से सी फाइव के साथ, क्या एट में जाएगा, एट वही ओपन वायर में जुड़ा हुआ है, नहीं जाएगा। तो इस पूरे डायग्राम में क्या नहीं होगा, ये डायग्राम में क्या नहीं होगा, सी थ्री और सी एट नहीं होगा। डायग्राम क्या बनेगा ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा, सी टू सी सिक्स सी फाइव सीरीज कम्बिनेशन में है, और सीरीज के साथ सी फोर के साथ किस में है, ये पैरेलल कम्बिनेशन में, और सी वन सी फोर जो भी आंसर आएगा यहाँ से, और ये कौन सा था, इट इज सी सेवन, इसके साथ किस में रहेगा, ये सीरीज कम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको निकालना पड़ जाए ए और बी के बीच का, तो पक्की बात है बैटरी कहाँ जुड़ेगी, ए और बी में जुड़ेगी। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ओपन वायर जुड़े हुए हैं। तो सी सेवन और सी एट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इसमें देखिए सी फोर सी फाइव सी सिक्स सीरीज कम्बिनेशन में है, जो आंसर आएगा सी टू के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में है, जो आंसर आएगा सी वन और सी थ्री के साथ किस में है, सीरीज कम्बिनेशन में। तो इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा, 11 कुछ और डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक इस तरह के डायग्राम आजकल चल रहे हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट है ट्यूनिंग फोर्क जैसा, चिमटे जैसा एक अरेंजमेंट है, एक ऐसे बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, तो पक्का है ये पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी पे फैलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है कंप्लीट बॉडी पे फैलेगा। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी मान लेते हैं। हर एक का एरिया है, प्लेट का एरिया कितना मान लेते हैं, ए, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो देखो इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है डायग्राम के अंदर। आपसे पूछा जाए नेट कैपेसिटेंस निकालिए बिटवीन ए एंड ए बी, क्वेश्चन ये बनता है कि कैपेसिटर बन बन कहाँ कहाँ रहा है। अब देखियो कैपेसिटर बनने की कंडीशंस क्या है, दो प्लेट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव प्लेट एक क्या हो, नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे बन रहा है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है। एक तो कैपेसिटर ये बन रहा है, कैपेसिटेंस कितनी मान लेते हैं इसकी, सी वन मान लेते हैं। इनके बीच का कैपेसिटर बन रहा है कौन सी है, सी टू। इनके बीच का कैपेसिटर बन रहा है, कैपेसिटेंस कौन सी है, सी थ्री। ओके, तीनों ही कैपेसिटर हैं। क्वेश्चन ये है, जो तीनों कैपेसिटर हैं सी वन सी टू सी थ्री, ये सीरीज में है कि पैरेलल कम्बिनेशन के साथ। अब देखो जो पोटेंशियल्स इस पॉइंट का है ए का, और जो पोटेंशियल बी पॉइंट का, फिक्स हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है।
तो तीनों के ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो तीनों किसमें हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो C1 का वैल्यू कितना होगा, C1 इज इक्वल टू सिंपल कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सिंपल कंडीशंस में। C2 का भी सेम वैल्यू होगा, सब कुछ सेम है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और C3 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इट इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हैं, तो नेट कैपेसिटर कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ें तो कितना आंसर बनेगा, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12। देखो इसी का करते हैं अरेंजमेंट का हम लोग। हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है, देखिए वही ट्यूनिंग फोर्क जैसा, एक तो ये मान लेते हैं ए है ये, और दूसरा इसी के अंदर डाल लेते हैं ऐसे ये बी, ये ए है ये बी, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। अब देखो यहाँ पे ये पूरे पॉजिटिव आएगा, इस पूरे पॉजिटिव आएगा ऐसे, ठीक है, इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव आएगा, कंप्लीट पे यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। अब चेक करो कैपेसिटर कहाँ कहाँ बन रहा है, डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस इनके बीच का हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी 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 मान लेते हैं, एरिया प्लेट कितना है, ए मान लेते हैं सिंपल कंडीशन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ कहाँ बन रहा है आपको, एक तो पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये, कैपेसिटर ये बन रहा है सी वन मान लेते हैं, क्या ये कैपेसिटर बन रहा है, दोनों नेगेटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर नहीं बन रहा, ये एक ये बना हुआ इट इज सी टू। तो सी वन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से सी वन का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सिंपल, इट इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C2 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सिंपल है, इट इज़ अगेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका भी सेम, इसका भी सेम। जिस कम्बिनेशंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशंस। तो पैरेलल कम्बिनेशंस का हमें नेट कैपेसिटर कितना होता है, C1 प्लस C2, तो सिंपल आंसर कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज द कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। नेक्स्ट है भाई कुछ एग्जांपल हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर। देखिए अगर हम किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया डालें तो क्या क्या आंसर होगा उसका, तो एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरड है, आपको गिवन है, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया जिसकी के का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू कितना है 3। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सिंपल है, आपको जो 5 माइक्रो फैरड गिवन है वो गिवन है जब इस प्लेट के बीच का के अंदर क्या है, हवा है, एयर है, तो सी नॉट की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो फैरड। अब इसके अंदर डायरेक्ट्री स्टेप डाल दिया गया जहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 3, तो सिंपल है के का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सी बाई सी नॉट लिखते हैं हम लोग, सी बाई सी नॉट, सी इन मीडियम सी नॉट इन एयर, तो मीडियम के वैल्यू के लिए क्या वैल्यू होगा, सी इज इक्वल टू के सी नॉट, के का वैल्यू कितना 3 इंटू 5 इट इज 15 माइक्रो फैरड, आंसर इज 15 माइक्रो फैरड। नेक्स्ट एग्जांपल है 14 एग्जांपल्स। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम क्या डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, अब की बार एक नहीं है दो डाल दिए जाएं, ओके, ये कांस्टेंट के वन का है, ये कांस्टेंट के टू का मान लेते हैं, ये डिविड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक का डी मान लेते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट ए है, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, और ये क्या है नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए वैल्यूज़ के साथ सिंपल है, आपको निकालना है कि इस कंडीशंस में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर ये एक कैपेसिटर ये, इसकी कैपेसिटेंस को सी वन मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को सी टू मान लेते हैं। अब सी वन जो है वो प्लेट एरिया जो है उसको हाफ यूज कर रहा है, इट इज़ ए बाई टू, ये भी कितना है ए बाई टू।
अगर मैं सी वन की वैल्यू निकालूँ कैपेसिटेंस की, जो कि मीडियम में है, कैसे निकालते हैं? सिंपल है, सी नॉट इंटू के वन वैल्यू था ना, भी हमने के निकाला था, के इज इक्वल टू क्या था, सी बाई सी नॉट। तो मीडियम की क्या निकलेगी, सी नॉट इंटू के। तो वैल्यू कितना होगा सी नॉट का, एप्साइलन नॉट ए बाई डी लिखते हैं, एरिया कितना है ए बाई टू, विड्थ तो डी है, डी इंटू के वन। तो वैल्यू कितना हुआ सी वन का, यहाँ से सी वन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए के बाई टू डी। उस तरीके से सी टू कितना आएगा, सी टू इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए बाई टू डी इंटू के टू। कितना वैल्यू होगा के एप्साइलन नॉट, ये के वन है यहाँ पे, ये के टू, एप्साइलन नॉट ए बाई डी टू डी। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में कॉम्बिनेशंस के अंदर। देखिए भाई, जो चार्ज है पूरे प्लेट पे आया हुआ था, अब चार्ज बटा हुआ है, कुछ चार्ज यहाँ पे चला गया, कुछ चार्ज यहाँ पे चला गया। जब चार्ज बढ़ता है ना तो किस में होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होता है। तो दोनों ही कैपेसिटर किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सी वन प्लस सी टू। तो सी इज इक्वल टू, सी वन का वैल्यू कितना है, के वन एप्साइलन नॉट ए बाई टू डी प्लस के टू एप्साइलन नॉट ए बाई टू डी। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए बाई टू डी कॉमन निकाल लिया, क्या आंसर बचा, के वन प्लस के टू। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, 15th एग्जाम्पल्स, हमारे पास वही कंडीशन डालते हैं, हमारे पास डायलैक्ट्रिक स्लैब्स हैं भाई, दो प्लेट है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, एक नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का विड्थ कितना है d मान लेते हैं, एरिया कितना यूज कर रहा है प्लेट, ए यूज कर रहा है, ठीक है। अब इनके बीच हमने क्या किया, डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इस तरीके से एक नहीं डाला, दो डाल दिए गए। इसका कांस्टेंट के वन मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट कितना है के टू, और इसका जो विड्थ है वो डी बाई टू मान लेते हैं, इसका भी कितना होगा डी बाई टू। अब दो कैपेसिटर बन रहे हैं, कैपेसिटेंस सी वन वाला, कैपेसिटेंस सी टू वाला। अब क्वेश्चन ये है कि सी वन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखिएगा, सी वन इज इक्वल टू सिंपल है के वन एप्साइलन नॉट, एरिया तो वही है ए, विड्थ चेंज हो गई है डी बाई टू। तो कितना आंसर हुआ, टू के वन एप्साइलन नॉट ए बाई डी। इसी तरीके से सी टू कितना होगा, यहाँ से के टू एप्साइलन नॉट ए बाई डी ए बाई डी बाई टू। तो कितना वैल्यू होगा, टू के टू एप्साइलन नॉट ए बाई डी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सी वन और सी टू सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। सिंपल वही यूज करते हैं हम लोग, जो चार्ज ये प्लेट यूज कर रहा है वो सारा चार्ज ये वाला यूज कर रहा है, सेम चार्ज ये वाला यूज कर रहा है, ठीक है। तो पूरी कंडीशंस के दौरान चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ पे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। तो सीरीज में कैसे आंसर निकालते हैं, वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, पुटिंग द वैल्यूज, वन बाई सी इज इक्वल टू सी वन का वैल्यू कितना है, टू के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उल्टा करके लिखते हैं इसको, डी बाई क्या लिखें, टू के वन एप्सिलॉन नॉट ए, सेम डी बाई टू के टू एप्साइलन नॉट ए। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से डी बाई टू एप्साइलन नॉट ए कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। सोल्व कर लेते हैं इसको एलसीएम लेके, वन बाई सी इज इक्वल टू डी बाई टू एप्साइलन नॉट ए। एलसीएम कितना हुआ यहाँ से, K1 वन इंटू के टू, यहाँ पर क्या आया, K2 टू प्लस के वन। देखिए मेरे को 1 बाई सी नहीं चाहिए, C चाहिए, तो उल्टा कर दो पूरे आंसर्स को, कितना आंसर होगा, 2 एप्साइलन नॉट ए बाई डी इंटू क्या आएगा, K1 वन के टू बाई के वन प्लस के टू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
16th क्वेश्चन कर लेते हैं डायलैक्ट्रिक के ऊपर ही। नेक्स्ट अभी 16th प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम लोगों ने इसके अंदर अब की बार तीन डायलैक्ट्रिक डाले हुए हैं। एक तो ये है ऐसे, ठीक है, और दो ऐसे बनाए हुए हैं। इसका कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K3। ये D/2 है, ये भी D/2 है, एरिया A है। यहाँ पे कितना एरिया होगा इसका? A/2। यहाँ पे कितना होगा? A/2। हाफ एरिया यूज़ कर रहा है ये प्लेट्स। तीन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3। C1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? C1 K1 लिखोगे इंटू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कितना आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। तो D/2 को ऊपर ले आइए, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। उस तरीके से C2 कितना कैसे लिखोगे? C2 ये रहा। C2 कैसे लिखा जाएगा? K2, इसका कितना कैपेसिटेंस होगा? एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना यूज़ कर रहे हैं? A/2। डिस्टेंस कितना यूज़ कर रहे हैं? D/2। 2 से 2 काट दें, कितना आंसर होगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। उसी तरीके से C3 कितना आएगा? यहाँ से देखिए, C3 सेम यहाँ पे K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना यूज़ किया जा रहा है? A/2। डिस्टेंस कितना यूज़ किया जा रहा है? D/2। 2 से 2 काट दीजिएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखो भाई, पहले एग्जांपल की तरह देखते हैं हम लोग। C2, C3 जो हैं वो पैरेलल कम्बिनेशंस में हैं। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो C जो पैरेलल में कौन कौन से हैं? C2 प्लस C3। तो CP का वैल्यू कितना होगा? सिंपल है, C3 और C2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर होगा? इट इज K2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो CP का वैल्यू कितना हुआ? यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन निकाल लिया, कितना आएगा? K2 प्लस K3। अब जो CP है, ये CP हुआ कंप्लीट, ये C1 के साथ सीरीज कम्बिनेशन में है, तो कैसे जोड़ोगे इसको? नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CP। सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यूज 1/C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? C1 का वैल्यू कितना था? ये D/2 यूज कर रहा है ना, तो ऊपर ले जाते हैं D/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP? D एप्सिलॉन नॉट A, ओके, इनटू नीचे क्या आएगा? K1 प्लस K2, सॉरी K2 प्लस K3। तो 1/C इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लीजिए, 2 D कॉमन है, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/K1 प्लस, यहाँ पे क्या बचा? 1/K2 प्लस K3, ओके, सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग LCM। तो LCM लीजिएगा, 1/C इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A। LCM कितना हुआ देखिए, K1 इंटू K2 प्लस K3, ओके, यहाँ पे क्या आया? K2 प्लस K3 प्लस K1। हमको C चाहिए, तो उस पूरे आंसर को उल्टा कर दीजिएगा, C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। कितना आंसर होगा यहाँ से? K1 इंटू K2 प्लस K3, ओके, नीचे क्या आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3, दिस इज द आंसर।